बरेली में झुमके का एक जमाने में काफी चलन था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ वक्त पहले जब हमारी टीम झुमके का बरेली से कनेक्शन खोजने पहुंची थी, तब भी झुमके का वहां की लड़कियों के साथ खास रिश्ता जरूर महसूस हुआ। शायर ने तो कहा था, गीतकार ने तो कहा था, प्यार में तकरार में झुमका गिरा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्यार में कभी झुमका गिरता है? नहीं, मिलता है। प्यार इकरार में तो हमेशा ही गिरता ही रहता है। बरेली तक चले आए हैं दिल्ली से ये खोजने की झुमका क्यों गिर गया भाई? जिसका गिरा होगा उसे बताऊंगा। कभी ना कभी गिरा ही होगा किसी का। और क्या, तभी तो गाना बना है। अभी तक झुमका गिरा रे, जिस गाने ने बरेली जैसे शहर को दुनिया भर में पहचान दिलाई, उस गाने के पीछे की कहानी भी बेहद खास है। पुराने जमाने मंडी हुआ करती थी, जिसमें डांसर लोग आया करती थी, डेरा डालती थी अपना, तो बताशे वाली गली में नाचने का एक वो था ट्रेडिशनल, एक आते थे कंपनीज, वो लेकर आती थी, तो वहाँ कज्जन भाई एक हुआ करती थी डांसर, जो कलकत्ते से कंपनी आई थी, तो उन्होंने गाना गाया था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। वो जिस शहर में जाती थी महीना दो महीना, तो शहर से कोई ना कोई रिलेटेड कोई ना कोई झुमका गिरा देती थी, कहीं पर कुछ गिरा देती थी, कहीं नथनी गिरा देती थी, तो ऐसी बरेली में ही हुआ था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, उसके बाद मेरा सहाय में गाना आया। कभी तांबे और पीतल का झुमका अब गोल्ड का हो गया है और उसमें भी हीरा मोती जड़े जाने लगे हैं। झुमका जो है वो किसी टॉप्स की तरह से फिक्स नहीं होता है, वो हिलता डुलता रहता है और वही उसकी शान भी होती है। तो ऐसे में जब कंधे से कंधे टकराएंगे, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो झुमका गिर गया होगा। तो यहाँ के लोग ये कहते हैं कि शायद ये एक बड़ी वजह रही होगी कि उस जमाने में या तो गीतकार या हीरोइन या किसी भी फिल्म से जुड़े हुए शख्स का झुमका जो है वो गिरा होगा, और वहीं से ये ख्याल बरेली में साधना का झुमका गिराने का गीतकार को आया होगा। झुमके से बरेली का नाता आज भी खास है, तभी तो फिल्मों में बरेली का झुमका आज भी चमक रहा है। टीम न्यूज नेशन। अच्छा, लाख टकी की बात पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस